नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ फर्स्ट टाइम जो एल शेप सोफ़ा मैंने ख़रीदा था उसका कवर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये कवर, जैसे सबका जो एल शेप सोफ़ा होता है वो अलग अलग डिज़ाइन का हो सकता है, बट जो मेरे पास है मैं उसका आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इससे आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी कि कैसे आप बना सकते हो। तो वीडियो को देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहले आपको बता देती हूँ कि मेरा सोफ़ा कैसा है। इसके सेंटर में वैसे एक पार्ट हो रहा है, वो मैंने हटाया हुआ है। तो ये जैसे जिसका भी सोफ़ा होता है वो ऐसे जॉइंट होता है, उसके दो पार्ट्स होते हैं। तो मेरा जो ये एल शेप सोफ़ा है ये थोड़ा लॉन्ग है जो दूसरे वाला साइड है, बाकी जो दूसरे और होता है उसमें ये होता जरूर है पर ये थोड़ा छोटा होता है और एक ऐसा पार्ट होता है। तो ये एक एल शेप की इसकी शेप बनी होती है। तो सबके मोस्टली इसी टाइप के होते हैं, बट मेरा जो ये दूसरा पोर्शन है एल वाला, ये थोड़ा और लॉन्ग है, तो कुछ इस टाइप का होता है। तो इसका कवर हम बनाएंगे और दोनों का अलग अलग हमें बनाना होगा। तो यहाँ मैं जो फैब्रिक ले रही हूँ वो मैं एक ले रही हूँ पुरानी साड़ी, जो कि ऐसी साड़ियाँ लेन देन वाली जो होती है वो साड़ियाँ है जो पता नहीं मेरे पास कहाँ से आ जाती है, कोई दे जाता है जो भी है। तो मैं इनको इकट्ठा कर कर रख देती हूँ और इनका मैं यूज़ करती रहती हूँ। तो इसके साथ मैंने एक ये फैब्रिक लिया है और ये इसके साथ मैं मिक्स कर कर बनाने वाली हूँ। मैं मोस्टली ऐसे ही करती हूँ, एक फैब्रिक जैसे मेरे पास होता है उसके साथ मैं कोई भी इस टाइप की पुरानी साड़ियाँ होती है जो नेट की हो या फिर जॉर्जेट में हो, उसको मैं मिलाकर कवर बना लेती हूँ। इससे मेरी जो पुरानी साड़ी होती है उसका यूज़ भी हो जाता है और मेरा काम भी चल जाता है। तो मैंने जैसे आपको बताया था हम अलग अलग कवर बनाएंगे, उसका अलग बनाएंगे, इसका अलग बनाएंगे। आप चाहे तो बाद में इनको जॉइंट भी कर सकते हो। तो मेज़रमेंट लेना है, पहले मैंने दोनों पार्ट्स के मेज़रमेंट, लेंथ और विड्थ मैंने यहाँ पर दोनों की ले ली है। तो आपको भी इसी तरह करना है। फर्स्ट तो मेथड यही होता है कि हम मेज़रमेंट ले लेंगे इंची टेप से। सेकंड जो मेथड वो मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ, आप जिस भी फैब्रिक से बनाने जा रहे हो कवर उसको आप डायरेक्ट सोफे पर रखोगे, उसके बाद जितना आपको फैब्रिक चाहिए उससे हल्का सा मार्जिन लेते हुए आपको डायरेक्ट आप निशान लगाकर उसको कट कर सकते हो। आपको मेज़रमेंट अगर लेना नहीं आता तो आप सीधा ऐसे अपना जो भी फैब्रिक से आप बनाने जा रहे हो उसको आप डायरेक्ट सोफे पर रखना और जितना आपको फैब्रिक चाहिए उतना आप कट कर लेना। थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना क्योंकि थोड़ा स्टिचिंग में हम फोल्ड करते हैं, बॉर्डर को मोड़ते हैं या पाइपिंग लगाते हैं, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा मोड़ना होता है। तो बस इतना करना है। और यहाँ पर मैंने मेज़रमेंट भी ले लिया था, साथ ही मैंने आपको दिखाने के लिए डायरेक्ट फैब्रिक को सोफे पर रखा और अब मैं इसको निशान लगाकर ऐसे का ऐसे कट कर लूँगी, अलग कर कर जितना मुझे चाहिए उतना मैं कट कर कर निकाल लूँगी और बाकी को मैं काम मुझे जो उसके हाथ के कवर बनाने के लिए चाहिए तो वो मैं साइड में करके रख दूँगी। तो अब ये मैंने तो यहाँ पर मैंने दोनों पीस कट कर लिए। तो देखिए कट करने के बाद कुछ इस तरीके के बने हैं ये, जितने मुझे सोफ़े के ऊपर चाहिए थे ये उतने पीस मैंने कट कर लिए हैं और ये फाइनल जो फैब्रिक है वो कट हो गया है। अब इसके बाद हमें मैं आ जाती हूँ जो हेड का कवर बनाना है उसके लिए। तो इसके लिए फ्रेंड्स मैंने साड़ी का यूज़ किया है, फैब्रिक को मैंने नीचे रखा था, साड़ी का मैंने हेड के लिए यूज़ किया। सेम मेथड इस पे भी मैंने यूज़ किया है, साड़ी जितनी मुझे चाहिए थी उतना मैंने फैब्रिक अपने जो सोफे का हेड है उसको कवर कर लिया है जितना मुझे चाहिए, उसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेते हुए चौक से मैंने मेज़रमेंट लिया है यहाँ पर कि कितना मुझे फैब्रिक यहाँ पर चाहिए और यहाँ पर मैंने निशान लगाया और इसको भी मैंने कट कर लिया है। एक बात फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं, आपको कवर बनाने के लिए आप लाइनिंग यूज़ कर सकते हैं अगर आपका कपड़ा स्लिपरी है और आपका सोफ़ा भी स्लिपरी है, तो उसके नीचे आप ज़रूर से ज़रूर लाइनिंग यूज़ करें। अब फ्रेंड्स एक इसमें हम अटैच करने वाले हैं फ्रिल, जो कि हम कुछ कर्टेन्स टाइप से बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने 15 इंच पे मार्क लगाया है, इसके बाद मैंने वन इंच का गैप छोड़ दिया है, फिर मैंने 15 इंच पर एक और मार्क लगाया है, फिर मैंने मैंने यहाँ पर 3 15 इंच पे मार्क लगाया है और सामने वाला जो सोफ़ा आ रहा है उस पर मैं 3 फ्रिल लगाऊंगी और जो साइड जो एल शेप बना हुआ है उस पर मैं टोटल 3 फ्रिल लगाऊंगी। तो यहाँ पर 6 फ्रिल हम यहाँ पर अटैच करेंगे जो कि हमारे कर्टेन के लुक में होगी, तो कुछ इस टाइप से फ्रिल लगेगी। फ्रिल कैसे लगाते हैं, जैसे मैं यहाँ पर कैसे लगाऊंगी फ्रिल को, जो मेन फैब्रिक है यहाँ तीनों लगा देनी है। और लगाएंगे कैसे, हमें सोफे के ऊपर की तरफ से फ्रिल रखनी है,
जो सोफे की सीट का फैब्रिक है वो सीधा फ्रिल उल्टी हो, और उसको हम ऐसे थोड़ी थोड़ी चुन्नटे डालेंगे और बाद में वो हमें इसे नीचे की तरफ कर देंगे, तो कुछ इस टाइप से हमारी फ्रिल लग जाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पर अपनी फ्रिल को अटैच कर लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड, यहाँ पर हमने मैंने फ्रिल को अटैच कर लिया है, तीनों दोनों फैब्रिक के साथ अटैच कर लिया। तो देखिए ये जो सोफ़ा है ये अलग है, और वो एल वाला सोफ़ा जो एल की शेप दे रहा है वो सोफ़ा अलग है। तो दोनों का मैंने कवर अलग किया। आप चाहे तो जैसे अब ये जॉइंट हम ये डालेंगे तो इसको आप अटैच भी कर सकते हो, बट मैं यही आपको सजेस्ट करूँगी अटैच ना करो, उससे थोड़ी प्रॉब्लम होगी आपको रखने में। इससे अच्छा है कि आप दोनों पार्ट्स को अलग ही रखें। तो यहाँ पर मैंने दोनों को अलग ही सिला है और इसको मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। जो हेड का कवर है उस पर बस मैंने सीधा जो जितना फैब्रिक मुझे चाहिए था उतना मैंने लिया है और उसको मैंने हेड के ऊपर लगा दिया है। अब ये जो फ्रिल हमने बनाई है इसके साथ बस हमें एक लास्ट काम करना है, वो होगा हमें इसको लॉक कर देना है। जैसे हम जो कर्टेंस होते हैं उसको फोल्ड कर देते हैं, तो यहाँ पर मैंने पतली पतली जो साड़ी यूज़ की है फ्रिल के लिए उसी साड़ी से स्ट्रिप निकाल रही है और उसी स्ट्रिप से हम इसको लॉक कर देंगे। तो आप चाहे तो इसको ओपन भी रख सकते हो, बट फ्रिल अभी अगर आप ओपन रखो तो उस लिए बेटर होगा कि आप पूरे फैब्रिक पे फ्रिल लगा दें, ऐसे जो बीच में गैप रहेगा वो अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ पर फ्रिल को लुक कर्टेंस का देना था तो इस वजह से थोड़ा गैप रखा है, जिस वजह से सुंदर भी लग रहा है। तो यहाँ पर मैंने सबको फोल्ड कर दिया है और यहाँ पर हमारा फाइनल काम ख़त्म हो जाता है। तो लीजिए, यहाँ पर हमारे सोफ़े का कवर बनकर रेडी है। जो मुझसे काफ़ी बार पूछा गया था कि दी एल शेप सोफ़े का कवर बताइए, तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैंने एल शेप सोफ़ा फ़िलहाल अभी कुछ टाइम पहले ही ख़रीदा है, तो अभी टाइम नहीं मिल पा रहा था। जैसे कि आप सब जानते हैं मेरी तबीयत थोड़ी डाउन थी, बट अब मैंने एक शेयर कर लिया है आप लोगों के साथ। कोई भी आपकी क्यूरीज हो या आप कुछ और देखना चाहते हो एल शेप सोफ़े में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर बेल आइकन को प्रेस ना किया हो तो प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। इसी के साथ हम बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, धन्यवाद। एक बात और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लाइनिंग यूज़ नहीं की है। अगर आपका कपड़ा स्लिपरी हो, सोफ़े का कपड़ा स्लिपरी हो, तो प्लीज़ आप लाइनिंग यूज़ कर ले, अदरवाइज़ आप ही बोलेंगे कि कपड़ा आप सोफ़े से स्लिप कर रहा है। तो इसलिए आप यूज़ ज़रूर कर लीजिएगा, मैंने यहाँ नहीं किया है। अगर आपको समझ में नहीं आता कि लाइनिंग हम कैसे अटैच करनी होती है सोफ़े कवर से, तो मेरी पुरानी वीडियोस को आप देख लीजिएगा, उसमें मैंने लाइनिंग को अटैच किया हुआ है सोफ़े के कवर के साथ, तो उसको देखने के पर आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद।